नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग करेंगे क्लॉक की ट्रिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही जल्दी से हम लोग कैसे क्लॉक की चैप्टर्स कर सकते हैं। देखो, ऑलरेडी कैलेंडर का अपलोडेड है, ज़रूर देख लेना। मैथ्स में आप देखोगे, जब सिलेबस देखोगे ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी का, तो उसमें देखना आप, क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलो देख लेते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट जान लो, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है। जो हैंड उसका चलती है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 1 घंटे में, क्योंकि 5 बार आप ये डायग्राम से देख सकते हो, तो ऑब्वियसली 5 बार जाएगी तो इंटू 5 कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है, ये जान के रखना। अब देखो, कभी भी कुछ एंगल निकालने के लिए दे, ठीक है, आपको बोल दे जी भैया बताओ 12 से 3 बजे तक आपका एंगल कितना है, या 5:20 या 6:10 में आपका एंगल कितना है बताओ, तो उसका फॉर्मूला आप जो है वो देख लो, दैट इज 60 इंटू आवर। ठीक है, 60 इंटू आवर जो दिया रहेगा वो दे दीजिए। जैसे 3:10, तो 60 इंटू 3 कीजिएगा और 10 मिनट 11 इंटू मिनट जो है डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो चलिए ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे आपको बताया गया, बताओ तो भैया 5:20 में आपका एंगल कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है हम लोग का 60 इंटू एच, तो 60 इंटू एच कर दोगे, एच का कितना है आवर, दैट इज़ 5, माइनस 11 इंटू एम कितना है 20, तो 11 इंटू 20 कर दो डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 40 डिग्री आंसर आ गया। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि हमेशा आप देखोगे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हैं वो एंगल निकालने के लिए दिया है। तो चलो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग को बताया, भैया बताओ 7:10 में कितना एंगल होगा, तो 60 इंटू 7 कर दिया, 11 इंटू 10 बाई 2 करोगे तो 310/2, तो आपका 155 डिग्री आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। और एक चीज़ देखो, कभी ये टाइम, जैसे अभी ये 155 आया, कभी ये आंसर जो है अगर आपका 180 से ज़्यादा आ जाता है, 180 से ज़्यादा आ जाता है, जैसे 245 आपका आंसर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 360 डिग्री से माइनस कर लेंगे। जैसे मेरा 245 आंसर आया, 155 की जगह 245 आया, तो आप क्या करोगे, 360 माइनस 245 मतलब 115 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको याद रखना है अगर इस 180 से ज़्यादा आपका आ जाता है। नेक्स्ट आता है, देखो जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि ना, हम लोग को पता है, देखो 360 डिग्री मतलब 60 मिनट्स होते हैं, एक पूरा घड़ी का चक्कर लगाओगे तो 60 मिनट्स, तो पूरा घड़ी का जो है वो कितना है 360 डिग्री, तो इसका अगर आप आधा करोगे 30 का 180 डिग्री होगा, 15 का 90, 10 का 60 एंड 3 मिनट का 18। तो हम लोग इसको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है, याद भी नहीं रखना, ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लो। अब आपको बताएगा, भैया बताओ तो 5 से 6 बजे के बीच में कितना बार 90 डिग्री एंगल जो है हुआ है। ठीक है, कितना बार 90 डिग्री एंगल हुआ है। देखो, इसको करने में आपको एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, अगर आप घड़ी में देखोगे तो बड़ा जो सुई है और छोटा जो सुई होता है, बड़ा और छोटा सुई में, वो एक मिनट में, जब बड़ा सुई सपोज़ 12 से 1 तक आती है, तो वो अगर आप घड़ी के टाइम से चलोगे तो छोटा वाला जो मिनट का हैंड है वो पूरा राउंड लगा देती है, लेकिन जो आवर हैंड है वो सिर्फ एक ही घर, ठीक है, मतलब 12 से 1 के बीच ही चल सकती है। मतलब क्या, अगर आप 60 मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट्स में वो जो बड़ा वाला सुई है, मिनट का सुई है, वो पूरा राउंड लगा दे लेती है, और जबकि वो 55 मिनट ही चल पाती है, क्योंकि 5 आपका डिफरेंस, तो दोनों का जो रिलेशन होता है ऑलवेज 60/5 होता है, ये याद रखना। दोनों का जो रिलेशन है वो ऑलवेज, जब ये 60 चलता है तो इसका जो डिस्टेंस वो कवर अप कर पाती है, दैट इज़ 55 ही, ठीक है, मतलब 55 नहीं कर पाती है, ये जब 60 कवर कर लेता है वो सिर्फ 5 जो है एंगल है वही चल पाती है, मतलब 55 नहीं कवर कर पाती है। तो 60/55 का रिलेशन आता है, काटोगे तो 12/11 का रिलेशन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग का बहुत काम आएगा। देखो क्या करना है, पहले अगर आपको कभी 5 से 6 बजे के बीच में कितना बार 90 डिग्री आता है ये पूछने के लिए, वो निकालने के लिए बोले, तो आपको करना क्या है गाइस, आपको करना क्या है, ये जो 5 है, क्योंकि हर गैप 5 से डिफरेंट जो गैपिंग होता है वो 5-5 का होता है, तो आपको ये पहला वाला नंबर के साथ 5 गुना करना है। ठीक है, पहले वाले नंबर के साथ 5 गुना करना है, तो 5×5=25। अब देखो, अब एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो 25 के साथ
हम लोग प्लस कर देंगे क्या, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 15, एक बार 25 के साथ जो है 15 पाँच बजे 25 हो गया, एक बार 15 हम लोग ऐड करेंगे, एक बार 15 हम लोग माइनस करेंगे, 15 ऐड कर रहे हैं तो 40 और 15 माइनस कर रहे हैं तो 10, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, ये तो आ गया, अब हम लोग वो जो 12 और 11 का जो रिलेशन हम लोग निकाले थे 60 और 55 मिनट्स का, ठीक है, तो वो हम लोग गुना कर देंगे, मतलब आपका 43 7/10 और 10/11, मतलब 5:43 मिनट 7/11 सेकेंड में आपका 90 डिग्री हुआ था और 5:10 में 10/11 सेकेंड में आपका हुआ था जो है वो 90 डिग्री। और ये देखो ये 15 आपके दिमाग में आएगा, सर ये 15 कहाँ से आया, तो 15 कहाँ से आया, देखो 90 डिग्री निकालना बोला है, तो 90 डिग्री मतलब कितना होता है 15 मिनट्स, तो वो 15 यहाँ पे रूल में आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया, बहुत इजी है। तो दो बार कौन से 5:43 7/11 सेकेंड में और 5:10 10/11 सेकेंड में दो बार 90 डिग्री होगा। देखो ये भी बहुत देता है, आपको पूछ सकता है कोइंसाइड कब करेगा, ओवरलैप कब होगा, ऑपोजिट कब होगा, ये ज़रूर देख लेना। तो जैसे हम लोग का, जैसे मैं पहले ही बताया था, अगर मिनट हैंड कवर 60 मिनट तो आवर हैंड जो है वो 55 मिनट ही कवर कर पाती है, तो रिलेशन जो है 60/50 मतलब 12/11 का हो जाता है। पहले हम लोग को कहीं भी 5 से, क्योंकि डिफरेंस 5 है, 5 से गुना करना पड़ेगा और 12/11 से जो है करके उसको ऐड कर देना पड़ेगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ तो भैया 6 और 7 में कितना बार मिनट हैंड एंड आवर हैंड कॉन्साइड करेगी, मतलब एक हो जाए, कॉन्साइड मतलब एक ही जगह पे दोनों आ जाना, ठीक है, एक ही जगह पे आ जाना, तो कितना बार होगा। तो हम लोग क्या देखो, पहला क्या है, ये 6 के साथ 5 गुना करो, उसके बाद 12/11 गुना करो, तो 360/11 आपका आंसर ये आ गया। आपको ये क्या करना है, ऐड कर देना 6 के साथ, मतलब 6:32 होने के बाद 8/11 सेकेंड में ये कॉन्साइड करेगी, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। उसके बाद हम लोग का आता है मिरर इमेज, मिरर इमेज में हम लोग को क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, टोटल टाइम इक्वल टू रियल टाइम प्लस मिरर टाइम, ठीक है, और आपको ये चार्ट याद रखना है। चार्ट क्या है, जस्ट हम लोग इसको कुछ नहीं कर रहे, देखो 12 जो 12 है 12 बजा है, उसको अगर हम लोग आवर में करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा पहले ये रिलेशन, ये दो रिलेशन समझा देता हूँ। 12 को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो हम लोग बोल सकते हैं 11:60, इसका भी मतलब 12 है, और अगर ये फॉर्मेट में रख के 11:59 होके 60 सेकेंड, ये भी 12 बजा है, ठीक है। ये हम लोग क्यों किया, कभी कभी आपको पूछ लेता है, बताओ तो भैया 11:25:30 में क्या हुआ है, ठीक है, क्या उसका मिरर इमेज क्या होगा, तब आपको ये फॉर्मेट है। कहीं पे सिर्फ आवर और मिनट दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मेट लगाना है, और सिर्फ कहीं पे आवर दिया है तो ये फॉर्मेट लगाना है, ठीक है। और ये कब यूज़ करना है, जब टाइम आपका 11 से कम हो, जब आपका टाइम लेस देन 11 हो तब आपको ये यूज़ करना है, अगर 11 से ज़्यादा हो तो आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है, जो रेलवे एक्चुअली हम लोग देखेंगे, रेलवे भी ये टाइम फॉर्मेट ही यूज़ करता है, ठीक है, तो सेम है। अब कैसे होगा मिरर इमेज, देखो मिरर इमेज में क्या आपको बोला गया है, 11:25 का मिरर इमेज क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम इक्वल टू रियल टाइम प्लस मिरर टाइम, तो हम लोग का टोटल टाइम है कितना 1160। क्यों 1160 लिया मैंने, देखो क्योंकि यहाँ पे आवर और मिनट का दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला लेना है, तो 1160 मैं टोटल टाइम ले लिया। इसका रियल टाइम कितना दिया हुआ है 1125 ले लिया, और मिरर टाइम मुझे पूछना है तो माइनस करोगे, मतलब 12:35 में 11:25 का जो मिरर इमेज होगा, आप घड़ी भी देखोगे तो 11:25 का जो मिरर इमेज होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, मतलब 12:35 में आएगा, तो वो मिरर इमेज हो जाएगा। अगर आपको 1:10 तो आपका 10:50 हो जाएगा, ठीक है, तो आप कर लोगे फटाक से। तो देखो यहाँ पे 1:10 है, मतलब 11 से ज़्यादा है, तो 11 से ज़्यादा है तो हम लोग वो घड़ी रेलवे वाला फॉर्मेट जो है ले लेंगे, तो रेलवे वाला फॉर्मेट ले लिया तो आपको 10:50 आप घड़ी में मिला के देख लो, देखो सेम आएगा। वाटर इमेज के लिए क्या करेंगे, तो देखो सेम है पहला जैसे कि, वाटर इमेज के लिए टोटल टाइम रियल टाइम एंड वाटर टाइम, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 5:30, 5:90, ठीक है, और जो 5 से नीचे होगा अगर टाइम, और 5 से ऊपर होगा तो 17:30 and 17:90, ठीक है। 11:15 निकालने के लिए दिया है, तो 11:15 है तो हम कौन सा करेंगे 11:15, तो ये 5 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग इसको ले लेंगे, 15 है तो इसको ले लेंगे 11:17:30, 11:15 राइट टाइम हो गया 6:15, ठीक है गाइस। तो देखो ये था एकदम जो है क्लॉक का, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है गाइस, आप इसको कर लोगे तो पूरा आपका क्लॉक हो जाएगा। कैलेंडर देख लेना,
प्लेलिस्ट बनाए गाइज, आपको वीडियो अच्छे से अरेंज करने के लिए जो है इजीली आप अवेलेबल, उसी लिए आप प्लेलिस्ट बना हुआ है होम पेज में ही मेरा जो है, नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन के लिए जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप पूरा मैथ्स रीजनिंग करंट अफेयर सब आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर वीडियो को वहाँ पे, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा गाइज, और पूरा वीडियो सब देखो, कैलेंडर का परसेंटेज सब अपलोडेड है, एज कैलकुलेशन। तो चलो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।